इंडिया का नुकसान और पाकिस्तान का फायदा देख के शुरू करते हैं आज की वीडियो। यार बेसिकली मैंने थोड़ी देर पहले बनाई थी इंडिया के जो लिथियम रिजर्व को जो सेल करने की बात चल रही है उसके ऊपर वीडियो आया, तो मैं देखने था वो वीडियो, लेकिन इस चैनल की जो सबसे रीसेंट वीडियो है ना वो भी काफी इंटरेस्टिंग फील हो रही है, तो मैंने कहा उसको भी देख लेते हैं। उसका टाइटल है रशिया नॉक्ड आउट ऑफ FATF ग्रुप, बैड न्यूज फॉर इंडिया बट ग्रेट न्यूज फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए वैसी अच्छी खबरें नहीं आती है, तो देखते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। और अगर अभी तक आपने नबील वर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। प्रशांत धवन, तो अभी ये बात ऑफिशियल हो चुकी है, रशिया FATF का पार्ट नहीं रहा। FATF की मेंबरशिप से रशिया को लात मार के निकाल दिया जा चुका है। एटलीस्ट वेस्टर्न मीडिया यही लैंग्वेज यूज कर रहा है, रशिया हैज बीन किक्ड आउट ऑफ द FATF मेंबरशिप। और वैसे ये सस्पेंशन है, टेक्निकल ग्राउंड्स की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल डिसमिस नहीं किया रशिया को, मगर रशिया की मेंबरशिप बिल्कुल सस्पेंड होने का मतलब अब ये है कि बहुत ही जल्द एक रास्ता निकाला जाएगा कि FATF की ब्लैक लिस्ट में रशिया को डाला जाए। जिस तरीके से आज के समय FATF की जो ब्लैक लिस्ट है वहां पर ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, उसी तरीके से रशिया को भी डालने का जो प्रोसेस है, लग रहा है कि उसी तरफ जो पश्चिमी देश है वो आगे बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली ये एक खराब न्यूज है भारत के लिए, बहुत अच्छी न्यूज है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में, रशिया ने हमेशा ना भारत का साथ दिया है FATF में। क्योंकि देखिए FATF में आपको तीन टाइप के देश मिलेंगे, ग्रे लिस्ट वाले देश जहां पर टेरर फाइनेंसिंग हो रही है मगर छोटे स्केल पर, रिलेटिवली छोटे स्केल पर, फिर ब्लैक लिस्ट वाले देश जहां पर FATF के हिसाब से बड़े स्केल पर टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, मनी को लॉन्डर किया जा रहा है, और फिर है व्हाइट लिस्ट वाले कंट्री जहां पर सब कुछ ठीक है, कोई भी यहां पर टेरर फाइनेंसिंग नहीं हो रही। अब मैं देखिए क्या बोलूं, अब यहां पे मुझे बहुत सोचकर यहां पे वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। FATF का फोकस है मनी लॉन्ड्रिंग पर और आतंकवाद के फाइनेंस को रोकने में। अब यहाँ पे देखो दोनों केसेस में ना रशिया एक परफेक्ट कंट्री है, रशिया को एक व्हाइट लिस्ट कंट्री होना चाहिए, मगर बिना वजह उन्होंने तर्क लगा दिया कि जी यूक्रेन रशिया वॉर को एक साल हो गए ना और रशिया अभी भी अपना अग्रेशन कम नहीं कर रहा, चलो इसी बात पर रशिया को निकाल दो। नाउ दिस डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि FATF का रिलेशन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल वॉर से बिल्कुल भी नहीं है। ये आप कह सकते हैं एक प्रॉपर पॉलिटिसाइजेशन की जा रही है FATF की, क्योंकि देखो एक तरफ तो रशिया को निकाल दिया, दूसरी तरफ ना आज के समय साउथ अफ्रीका, जी हाँ साउथ अफ्रीका देश जो है उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। अब एक कोइंसिडेंस कह लो आप, इत्तेफाक जैसे भी आप समझ लो, साउथ अफ्रीका ने हाल ही में एक बड़े स्केल पर नौसेना के युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट किया है रशिया और चाइना के साथ। पश्चिमी देश इस बात को लेकर बहुत गुस्सा थे, BBC ने इस पर काफी लेख भी, रूस और चीन के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। बाद में एंथनी ब्लिंकन जो USA के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, इन्होंने अपनी जनता को, अपनी सरकार को बताया कि देखिए इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों ही धीरे धीरे रशिया से दूर जा रहे हैं। नाउ इंडिया तो देखिए ऐसा देश है जिसको आप FATF से बाहर निकालना, रिलीज पर डालना सोच नहीं सकते, इंडिया अपने आप में पावर सेंटर है, मगर साउथ अफ्रीका जो आप कह लीजिए एक ज्यादा छोटी पावर है। अब इसी बात पे मैं चीज कहना चाहता हूँ, जो कंट्री पावर सेंटर होती है ना उसके बाप का राज चल रहा होता है, टू बी ऑनेस्ट। ऐसे ही यार स्कूल में भी जो बच्चा मॉनिटर होता है ना उसके भी बाप का राज चल रहा होता है। तो मेरा ये मानना है कि किसी को भी ना एक्सट्रीम पावर नहीं देनी चाहिए, अगर आप किसी चीज के ऊपर लिमिट नहीं लगाओगे तो अगला बंदा उसका नाजायज फायदा उठाता है। मेरा ये कहना है, मैं किसी के हक में या किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। उसको बिल्कुल दंडित कर दिया गया है, उसको ग्रे लिस्ट में भेज दिया गया है, और बिल्कुल कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका को एक मैसेज सेंड किया गया है कि आप अगर रशिया के साथ एक न्यूट्रल स्टांस बनाकर रखोगे, रशिया के खिलाफ अगर आप एक स्टांस नहीं लोगे तो हम आपको दंडित करेंगे। ये एक क्लियर मैसेज भेजा गया है, नहीं तो साउथ अफ्रीका को ग्रे लिस्ट पे डालना, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट पे नहीं है, साउथ अफ्रीका है, अपने आप पे एक बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। इस बंदे में ना थोड़ा सा हेट तो मुझे दिख रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो लग रहा है मुझे फील हो रहा है पता नहीं, हालांकि इस बंदे की मैं दूसरी वीडियो भी देख रहा हूँ ये, जबकि हम देख रहे हैं आज के समय पाकिस्तान में आतंकवाद रैम्पेंटली फैल रहा है और कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए पश्चिमी कंट्रीज की कंप्लीट डोमिनेंस है FATF की मेंबरशिप के लिस्ट में, आप देख लो इंडिया तो ऑब्वियसली यहाँ मेंबर है, चाइना भी मेंबर है, मगर पश्चिमी कंट्रीज की लिस्ट आप देख, बेल्जियम, ग्रीस, फिनलैंड, आइसलैंड,
इसराइल भी आप कह सकते हैं प्रो यूएस ही है। उसके अलावा न्यूजीलैंड, फिर स्विट्जरलैंड, इटली, मेक्सिको, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सारे देश, इतने सारे कंट्रीज है यहाँ पर कि पश्चिमी देश एक तरफ वोट कर देना तो वो देश फिर ग्रे लिस्ट में जाएगा ही जाएगा, वो बच नहीं सकता। तो मुझे तो देखिए साफ साफ रास्ता दिख रहा है कि ये रशिया को भी ब्लैक लिस्ट में पहुंचा देगी। अब इस समय देखिए फायदा होगा पाकिस्तान जैसे देशों का जो जेन्युइनली आतंक्वाद को फाइनेंस करते, क्योंकि कल को वो खुल के कह पाएंगे कि देखिए एफएटीएफ की तो अब पोलिटाइजेशन प्रॉपर्ली हो। क्या सबूत है भाई आपके पास के जेन्युइनली आतंकवाद फाइनेंस करते हैं? क्या है आपके पास सबूत? एम ही घर बैठे जेड़ा बंदा जो दिल करता बनाई जो, कल मैं बोलने लग जाऊं कि इंडिया बहुत सारे आतंकवादी हमले करता है तो क्या होगा? भाई थोड़ा सा अक्ल को हाथ मारो, एम ही बिला वजह किसी मुल्क पे चढ़ते नहीं रहते, तरीके से बात होती है। हो चुकी है पाकिस्तान, ये पहले भी कहता था, अब तो खुल के कहेगा फ्यूचर में कि यहाँ पर तो देखिए जियोपॉलिटिक्स का राज चलता है कि जो कंट्री वेस्ट के खिलाफ खड़ा हो गया, वेस्टर्न इंटरेस्ट को सूट नहीं कर रहा वो कंट्री, तो उसको वो दंडित करेंगे, क्योंकि रशिया आतंकवादी देश तो नहीं है, रशिया आतंकवाद को प्रमोट भी नहीं कर रहा, कहीं से भी नहीं कर रहा। आप कैसे जस्टिफाई करोगे फ्यूचर में कि रशिया को दंडित किया जाए? इस वीडियो से मुझे सिर्फ इतना रियलाइज हो रहा है कि रशिया को सिर्फ जो वॉर चल रही है ना उस पे थोड़ा सा हाथ हल्का करने को बोला जा रहा है, कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं हो रही जिसको इस बंदे ने इतना बड़ा बना दिया है। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कोशिश कर रही है कि अगर दुनिया में कहीं वॉर चल रही है उसको थोड़ा सा चलो खत्म नहीं हो, थोड़ा सा हाथ ही हल्का कर ले रशिया, उस चीज के लिए ये थोड़ा सा उन पे प्रेशर डाला जा रहा है और इस बंदे को उससे भी मसला है। तो मुझे तो ये एक्सट्रीमिस्ट लग रहा है, अजीब बात है यार। और ये देखिए बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा कि दैट टाइम है इंडिया रशिया रिलेशंस के लिए भी, क्योंकि आज नहीं तो कल रशिया को ग्रे लिस्ट पे, ब्लैक लिस्ट पे जहां भी ये भेजेंगे उस प्रोसेस में ना इंडिया को भी हाँ या ना वोट करना होगा। This will be difficult for India. और क्वेश्चन यही आता है कि ये जो नफरत है रशिया के खिलाफ, एक रैम्पेंट हेट है वेस्ट में कि रशिया को कैसे भी करके दंडित करना है, ये कहाँ पर खत्म होगी? मैं कल परसों टाइम मैगजीन का एक आर्टिकल देख रहा था, ये लोग तो अब ओपनली कह रहे हैं कि रशिया तो यूएन में बिलोंग ही नहीं करता, एफएटीएफ से निकाल दिया, उसके अलावा यूएन की कई जो बॉडीज हैं वहां से भी निकाल दिया रशिया को। अब कह रहे हैं कि यूएन की जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, वहां पर भी रशिया बिलोंग नहीं करता, रशिया को वहां से निकाल देना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होकर ये इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स एंड इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स हैं उनको तोड़ रहे हैं। देखो ये कई देश कर रहे हैं, ठीक है, जब चाइना ने भारत पे अटैक किया था वो क्या था, जब पाकिस्तान ने भारत पे अटैक किया था तब क्या हुआ था, जब अजरबैजान ने अर्मेनिया पे अटैक किया था। यार इंडिया को इतना प्रोटेक्ट कर रहा है बंदा, जैसे इंडिया दूध का धुला है यार, हर कंट्री कुछ ना कुछ बुरा करती है, इंडिया में भी बहुत चीजें बुरी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दूसरे मुल्कों को पॉइंट आउट करते रहो, अपनी गलतियां भी देखो। पाकिस्तान की मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि वो अपनी गलती भी रिकॉग्नाइज करता है, हालांकि हमारे अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं लेकिन हम उस पर बात करने की कोशिश करते हैं, ना कि दूसरों के ऊपर उंगली उठा देते, तू भी तू 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 गलत है हम सही है, ये वाला नेचर नहीं चलता। तो देखिए ये सैड है, इस आप कह लीजिए ये जो एंटी रशिया हेटेड है ना, इसके पीछे जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बने हुए थे इनको इरोड किया जा रहा है, इनको तोड़ा जा रहा है। और यहाँ पे वैसे मुझे एक टेक्निकल एस्पेक्ट क्लियर करना होगा, हो सकता है कि आप वैसे कई लोग आर्टिकल पढ़े इस टॉपिक के बारे में बाद में, और वहां पे एक आपको लाइन दिखे कि रशिया की एक मेंबरशिप अभी भी एक्टिव रहेगी। यहाँ पे आप देख पाओगे एफएटीएफ की जो वेबसाइट है वहां पर इनकी जो ये अनाउंसमेंट है उसका टेक्स्ट है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं द रशियन फेडरेशन विल रिमेन ए मेंबर ऑफ द ग्लोबल नेटवर्क। इससे ये मत समझ लेना कि एफएटीएफ का मेंबर रशिया रहेगा, ये किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये है यूरेशियन ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग ईएजी, ये बिल्कुल अलग ग्रुप है, ये रशिया और रशिया के आसपास के जो कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है, इसमें इंडिया भी आता है, यहाँ पे रशिया की मेंबरशिप बनी रहेगी, मगर ईएजी और एफएटीएफ में फर्क है, दोनों को कंफ्यूज मत कर लेना, ठीक है। तो वहां पे रशिया की मेंबरशिप रहेगी, और एफएटीएफ ने कहा है कि रशिया को हमने निकाल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया को अब एफएटीएफ के स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करने, रशिया को स्टैंडर्ड फॉलो करने होंगे, बाकी देखिए अब स्टैंडर्ड ही मजाक से ही बन के रह रहे हैं। पाकिस्तान जैसा देश ओपनली खुला घूम रहा है, और मोस्ट प्रॉब्ली ये लोग कल वो कह देंगे कि जी यूक्रेन पे जो हमला हो रहा है रशिया का, वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है, आतंकवादी ग्रुप्स को फाइनेंस किया जा रहा है, और आज नहीं तो कल ये ग्रिलिस्ट और इवेंट। तो ये बंदा कह रहा है नहीं है, कह सकता है भाई, ये कुछ भी कह सकता है, 3 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठा तो कुछ भी कह सकता है, हमारे चैनल पे स्ट्राइक भी मार सकता है, नहीं मानना ओपनली बात कर रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो हाँ।
तो ये टॉपिक देखिए अभी न्यूज में रहेगा, बिल्कुल ही मजाक बन चुका है एफएटीएफ का। और सैड बात है क्योंकि एफएटीएफ जैसा ग्रुप दुनिया में था नहीं, और कोई ग्रुप तो मुझे समझ नहीं आ रहा जैसा एफएटीएफ का इम्पैक्ट था वैसा किसी और ग्रुप का हो। तो एक सैड देना ये टेरर फाइनेंसिंग से लड़ाई के लिए और ओवरऑल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की गरिमा के लिए भी मैं कहूंगा सैड देना। इस पर अपडेट्स आएंगी, मैं इस पर अपडेटेड वीडियोस बाद में लाता रहूंगा। ओवरऑल मुझे तो सिर्फ यही फील हो रहा है कि चलो ठीक है, ये जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट भाई ने सही दी होगी, लेकिन इस भाई के अंदर ना एक कीड़ा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और वो दिख रहा है क्योंकि एक तो हर टाइटल में पाकिस्तान के अगेंस्ट बोल रहा है ये, कहीं ना कहीं वीडियो में भी काफी हेटरेट फील हो रहा है मुझे इस बंदे में। मुझे एक चीज समझ नहीं लगती आज तक कि लोगों के अंदर ये क्या है, क्यों दूसरों को पॉइंट आउट करते रहना। ठीक है अगर किसी चीज में मसला है वो बताओ, लेकिन अपना डिसीजन नहीं दो। इतनी बड़ी दुनिया है, इतने बड़े मुल्क है, उनमें इतने सारे लोग रहते हैं, आप सबके ऊपर उंगली उठा रहे हो, तो थोड़ा सा मैच्योर बिहेव करो। और ये मुझे आजकल ज्यादा फील होने लग गया है, कुछ YouTube चैनल्स बहुत हेटरेट फैला रहे हैं, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चैनल हेटरेट फैला रहा है, इस बंदे का अपना ओपिनियन है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच है सबको, तो सब बोल रहे हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बीच में ही दे दिया था वीडियो में कि क्यों FAFTA ये प्रेशर डाल रहा है रशिया के ऊपर, मुझे ये फील हो रहा है। बाकी जो लीगली ओपनली जो बात हो रही होगी वो डिफरेंट होगी, कमरों के अंदर भी बहुत सारे डिसीजन होते हैं, तो यही बात है। बाकी इंजॉय करें, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर रिएक्शन, अगर आप इस तरह के रिएक्शन और चाहते हैं, एंड कमेंट्स में लाजमी बता देना क्या रिएक्ट करूं। इंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।